हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर जेनिक्स में। सो, हमेशा की तरह एक बारी फिर से मैं आ चुकी हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर, जो कि है बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट का नेगेटिव आना। इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारी गलतियों की वजह से हम प्रेग्नेंट होते हुए भी जो है हमारी जो प्रेगनेंसी है वो नेगेटिव आती है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। सो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो बहुत जल्दी कर लेना। कई बार आप प्रेगनेंसी के एक्साइटमेंट में प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, अपने टाइम से पहले कर लेते हैं, पीरियड मिस के एक दो दिन बाद ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट है, जो रिजल्ट है, वो नेगेटिव आता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे शरीर में एससीजी नाम का जो हार्मोन है उसका लेवल काफ़ी बढ़ने लगता है, और वो एससीजी जो है वो हमारे यूरिन में भी आ जाता है, जिसकी वजह से जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हमारी जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि उस टाइम पे जो एससीजी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहीं अगर उस एससीजी का जो लेवल है वो अगर लो होगा, कम होगा, तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नेगेटिव शो होगी, वो जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। सो, इसीलिए जब आप पीरियड मिस होने के एक दो दिन बाद ही जो है टेस्ट कर लेते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नेगेटिव आती है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो है एससीजी लेवल इतना हमारे बॉडी में नहीं बन पाता है जो उस प्रेगनेंसी को पॉजिटिव दिखा सके। तो इसीलिए आप प्रेग्नेंट होते हुए भी जो आपका प्रेगनेंसी जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है। इसीलिए आपको पीरियड मिस होने के 7 से 10 दिन बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम तक आपके बॉडी में एससीजी जो हार्मोन है उसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है, जो रिजल्ट है वो सटीक आता है, वो पॉजिटिव आता है। सो, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है आपका बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहना। प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा ही आपके मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन है उसके सैंपल से किया जाता है। वहीं अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करने के पहली रात को बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है तो इससे भी आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपका जो यूरिन है वो काफ़ी पतला हो जाता है। सो, अगर आपको रिजल्ट सही चाहिए तो आपको हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट करने के पहली रात को पानी कम से कम पीना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही पीना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉल्स टेस्टिंग। कई बार ये एक्सपायर्ड प्रेगनेंसी किट की वजह से हमारा जो प्रेगनेंसी है वो नेगेटिव आता है। वो इसलिए क्योंकि कई बार ये हम प्रेगनेंसी किट जो है वो पहले ही खरीद के अपने घर में रख लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमारा पीरियड मिस होगा तो हम उसे चेक कर लेंगे कि आखिर में रीज़न क्या है, प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ या कोई और इश्यूज़ है। उसकी वजह से आप प्रेगनेंसी किट जो है वो हमेशा से पहले से ही अपने घर में रख लेते हैं, और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और जब वो टेस्ट करते हैं तो कई बारी आपका जो किट है वो एक्सपायर होता है, उसका डेट जो है वो निकल चुका होता है, वो ख़राब हो चुका होता है, जिसकी वजह से जब आप टेस्ट करते हैं और आप प्रेग्नेंट होते हैं तब भी जो आपका टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है। सो, कभी भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो उसके पीछे की एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। वहाँ पे मेंशन किया होता है किट के पीछे कि वो कब से कब तक चलेगा, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। अब जो नेक्स्ट है वो है हार्मोनल इश्यूज़। कई बारी हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। हमारे बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि PCOD है, थायराइड है, ये सारे जो है हार्मोनल इश्यूज़ हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से हमारा जो पीरियड है वो इरेगुलर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, हम प्रेग्नेंट नहीं बन पाते। सो, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। थायराइड और PCOD की जो प्रॉब्लम है ये आज के डेट में काफ़ी कॉमन है, ये कॉमन सी हार्मोनल इश्यूज़ है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। आप इसमें इजीली डॉक्टर के कंसल्ट में रह के आप इजीली कंसीव कर सकते हैं, उसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। और अगर आपने PCOD में कंसीव कर लिया है, थायराइड में कंसीव कर लिया है, तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जो है
वो लेट करनी है। वो इसलिए क्योंकि आपको पीसीओडी में या थायराइड में पीरियड जो है वो लेट आएगा, जिसकी वजह से आपका जो ओवुलेशन है वो भी लेट होगा। तो आपको टेस्ट भी जो है वो लेट करनी चाहिए, जिससे आपको जो रिजल्ट है वो सही मिलेगा। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पे कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है मेडिसिन के साइड इफेक्ट। कई बार हम कंसीव होते हुए भी इतनी ज़्यादा मेडिकेशन लेते हैं, इतने सारे मेडिसिन खा रहे होते हैं हाई पावर्स के, जिसकी वजह से हम कंसीव होते हुए भी या फिर हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। कई बार हम कंसीव कर लेते हैं बट उसके बाद भी जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत सारी मेडिकेशन ले रहे होते हैं, हाई पावर्स के मेडिसिन खा रहे होते हैं। कई बारी आप प्रेगनेंसी ना रुकने के भी मेडिसिन खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है। कई बारी आप कंसीव कर लेते हैं बट ये हाई मेडिकेशंस की वजह से, ये हाई पावर्स के मेडिसिन की वजह से आपका जो प्रेगनेंसी है वो रुक नहीं पाता और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो कभी भी आप अगर बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं और आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके पहले आप अपने डॉक्टर को सब ज़रूर बताएं, जो भी मेडिसिन आप लेते हैं वो ज़रूर बताएं, जिससे जो है आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छी हो सके, आप प्रेग्नेंट हो सके। सो अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है फेंट लाइन को नेगेटिव समझ लेना। कई बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी कर देते हैं, जिसकी वजह से उतना एसजीजी लेवल आपके यूरिन में नहीं होता। सो जिसकी वजह से जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो जो प्रेगनेंसी कंफर्म करने वाली जो लाइन है वो हल्की पिंक दिखाई देती है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। बट हल्की पिंक लाइन आने का मतलब यही है कि आप प्रेग्नेंट हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो हल्की पिंक लाइन है वो आपके जो किट पे उसमें मेंशन किया हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि इस किट को आप सैंपल देने के बाद, उसमें यूरिन के ड्रॉप डालने के बाद विंडो में, उसको 2 से 3 मिनट तक, या जो भी उस किट के इंस्ट्रक्शन में दिया होता है कि उसको 2 से 3 मिनट बाद देखे या फिर 5 मिनट बाद तक रुक के देखे रिजल्ट, तो उतने टाइम तक ही आपको रुक के जो है रिजल्ट देखनी है, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया और रिजल्ट नहीं आया तो उसको आपने 10-15 मिनट तक छोड़ दिया और उसके बाद आप रिजल्ट देखें, तो ये चीज गलत है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेगनेंसी किट के पीछे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि आपको इस किट में जब भी आप यूरिन का ड्रॉप डालें उसके 2 से 3 मिनट बाद ही रिजल्ट को देखें या 5 मिनट बाद देखें, जो भी इंस्ट्रक्शन पे दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रेगनेंसी का जो रिजल्ट है वो देखना है। कई बार आप जब 10 से 15 मिनट बाद उस किट को छोड़ देते हैं तो उस पे एक इवोपरेशन जो लाइन है वो भी आती है, जो कि यूरिन के सूखने की वजह से होती है, यूरिन के ड्राई होने की वजह से होती है। तो वो लाइन को आप बिल्कुल भी प्रेगनेंसी लाइन ना समझे। कई लोग उसे भी समझने लग जाते हैं कि वो प्रेगनेंसी लाइन ही है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उस किट को बहुत देर तक छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो ड्राई हो जाता है और वहां पे एक हल्की फीकी लाइन जो है वो बन जाती है। तो वो लाइन बिल्कुल भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं करती है। आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हमेशा ही हल्की पिंक लाइन और उस टाइम के बीच में, जो भी आपके किट में इंस्ट्रक्शन दे रखा है उस टाइम के अंदर अगर वो रिजल्ट आता है वही सही होता है। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।